नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ करारी चटपटी राजस्थानी बेसन वाली मिर्ची। ये एक साइड डिश है जो दाल बाटी के साथ या कढ़ाई वाली पूड़ी के साथ खाई जाती है। ऐसी ही रेसिपीज के बारे में सबसे पहले जानने के लिए वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाएं। इसे बनाने की सामग्री हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये है जोधपुरी मिर्च या भावनगरी मिर्च भी इसे कहते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो के और इस तरह से ऊपर और नीचे से काट के बीच में से चीरा लगा लिया है। चीरा लगाने के बाद इसके सारे बीज मैंने निकाल के हटा दिए हैं, क्योंकि इसके बीज खाने में बहुत तीखे होते हैं, तो वो हमने अच्छे से झाड़ के सारे निकाल दिए हैं। और मिर्ची हमारी इस तरह से रेडी है। अब हम भरावन की सामग्री देख लेते हैं। ये है बेसन। ये बेसन 200 ग्राम है। इसी के साथ हमें चाहिएगा पुदीना पाउडर, नमक हमें चाहिएगा स्वादानुसार, हमें चाहिएगी तड़के के लिए थोड़ी सी हींग, ये है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छौंक में हम ले रहे हैं मोटी सौंफ या अचारी सौंफ भी इसे कहते हैं, और खटाई के लिए हम डाल रहे हैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नींबू भी डालेंगे। तो सूखे मसाले भी हमारे सारे रेडी हो गए हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा लिया है, और कढ़ाई जब हमारी गर्म हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे तेल। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं। तो ये हमने इसमें 4 चम्मच तेल डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग। तो ये हमने गर्म तेल में हींग डाल दी है। हींग हमारी क्रैकल हो रही है, और जब ये हल्की सी भुन के इस तरह से ऊपर तैरने लगेगी तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच मोटी सौंफ। सौंफ से इसमें बहुत अच्छा स्वाद और फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से हिलाते हुए हमें सौंफ को भी हींग के साथ गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च, और लाल मिर्च डालते ही तुरंत 2 या 3 सेकंड बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा बेसन। तो इस समय हाथ में थोड़ी सी जल्दी रखें, नहीं तो मिर्ची जल जाएगी। तो इस तरह से ऊपर से मिर्ची डालने से हमारे बेसन में रंगत बहुत अच्छी आएगी। तो बेसन को हमने इस तरह से हिला लिया है, और अब हम मध्यम आंच पे बेसन को इस तरह से चला के भूनते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो बेसन को इस तरह से लगातार हम चला रहे हैं, और देखिए बेसन ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। और जब बेसन भुनने लगता है तो उसकी महक बहुत अच्छी आती है, और जब महक पूरी अच्छे से फैल जाती है तब हमें पता चल जाता है कि बेसन हमारा भुन चुका है। तो मैं इस तरह से लगातार चलाते हुए बेसन को भून रही हूँ, और इसमें मैंने डाल दिया है 3/4 चम्मच नमक, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको भी हम इसमें हिला के मिक्स कर देते हैं। लाल मिर्च हम इसमें पहले से डाल चुके हैं। तो इस तरह से हिलाते मिलाते हुए मध्यम आंच पे लगातार बेसन को मैं सेक रही हूँ, और ये हमारा भरावन की सामग्री जो है वो इसमें हम एक एक करके डाल रहे हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आप चाहें तो इसे कम भी रख सकते हैं, और इसी के साथ डाल रहे हैं 3/4 चम्मच सूखे हुए पुदीने का पाउडर। इसको भी हम एक बार मिक्स कर देते हैं। देखिए बेसन ने हमारे कलर बदलना शुरू कर दिया है, और ये धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो हम इसको इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा बेसन हमारा भुन रहा है, और बीच बीच में मैं इस तरह से पलटे से इसे हिलाती भी जा रही हूँ। बेसन हमारा भुन के तैयार हो गया है, तब हम इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल लेंगे, और इसको भी हिला के मिक्स कर लेते हैं। भरावन की सामग्री हमारी सारी इसमें डल गई है, और इसकी फिलिंग बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे मिर्च में भर लेते हैं। स्टफिंग की सामग्री को हमने गैस से नीचे उतार लिया है, और जो मिर्च हमने स्लिट लगा के रखी थी उसमें हम चम्मच की सहायता से इस तरह से भरावन को भर रहे हैं। तो हमारी लगाई हुई स्लिट को इस तरह से खोल के हम चम्मच की सहायता से मिक्सर को भर देंगे, और अंगूठे से इस तरह से दबा के हम मिर्च को भर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से फैलाते हुए स्टफिंग को हम मिर्च में भर रहे हैं, और मिर्ची को इस तरह से बंद कर देते हैं।
इसी तरह से एक एक करके हमने सारी मिर्चों को भर लेना है। और जब हम मिर्च में तड़का लगाएंगे तो ये भरावन इसमें और अच्छे से रच जाएगी। और अगर आप चाहें तो चम्मच की बजाय हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए हम हमारी स्टफिंग को इसमें अच्छे से दबा दबा के भर लेंगे, जिससे कि जब हम इसे छोंकेंगे तो ये स्टफिंग बाहर ना निकले। इस तरह से दबाते हुए हाथ की सहायता से हम स्टफिंग को इसमें भर लेते हैं। तो ये देखिए मिर्चें हमारी रेडी है, और मैंने इस तरह से सारी मिर्चों को स्टफिंग से भर लिया है। और जो एक्स्ट्रा स्टफिंग थोड़ी सी बच गई है उसको मैंने साइड में बचा के रख लिया है, वो भी हम छौंक में इसमें डाल देंगे, क्योंकि जिससे फिर ये मिर्च के चारों तरफ अच्छे से लिपट जाएगी और बहुत अच्छा मसाला बनेगा। तो अब हम इसके छौंक की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने वही कढ़ाई गैस पर चढ़ा ली है और इसमें अब हम 3 छोटे चम्मच तेल डाल रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम 1 चुटकी हींग डाल देंगे, और हींग जब क्रैकल होने लगेगी तब हम इसमें हमारी भरी हुई मिर्चें ऐड कर देते हैं। तो ये मैं इसमें इस तरह से सारी मिर्चों को डाल देती हूँ, और जो बची हुई स्टफिंग है वो हमने अभी इसमें नहीं डालनी है, उसको अभी हम रख लेंगे। अभी हमने सिर्फ मिर्चें डाली है, और इस तरह से हिला के हम तेल में पूरी तरह से इन मिर्चों को कोट कर लेंगे। तो एक बार हम इसको अच्छे से हिला लेते हैं, और अब हम इस कढ़ाई को ढक के 2 मिनट के लिए मध्यम आंच पे पकाएंगे। तो हम इसे ढक देते हैं, गैस की आंच इस समय मध्यम है। 2 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार खोल के हमारी मिर्चों को देख लेते हैं। ये देखिए मिर्च हमारी अच्छे से सिजल कर रही है। एक बार हम इस तरह से पलटे से इसको अच्छे से हिला लेते हैं। ये देखिए मिर्चें हमारी रेडी हो रही है। अब हम बची हुई भरावन की सामग्री को भी इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि मिर्चों ने जो अपना पानी छोड़ा है उससे ये भरावन की सामग्री मिर्च के चारों तरफ अच्छे से लिपट जाएगी, और बहुत ही अच्छा मसाला हमारा बन रहा है। ये है 1/4 कटोरी दूध। यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप बता रही हूँ, जब भी आप आलू वाली या बेसन वाली मोटी मिर्ची बनाएं और आपको लगे कि ये थोड़ी तीखी हो रही है, तो आप इसमें इस तरह से 1/4 कटोरी दूध ऐड कर दीजिए। दूध डालने से मिर्च का तीखापन कम हो जाएगा और साथ ही उसके स्वाद में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये मैंने 1/4 कटोरी इसमें दूध डाल दिया है। इस तरह से दूध का छींटा देने से इसका स्वाद तो अच्छा होता ही है, साथ ही इसका तीखापन भी कम हो जाता है। तो अब हम इसको एक बार फिर से ढक देते हैं। गैस की आँच अभी भी हमारी मध्यम ही है, और इसको बीच में एक बार फिर से हम खोल के देख लेते हैं, और इसमें एक बार फिर से पलटा चला देते हैं। इसको लगातार इस तरह से हिलाना ज़रूरी है, क्योंकि बेसन हमारा भुना हुआ है, अगर हम इसको इस तरह से नहीं पलटेंगे तो वो नीचे लग सकता है। तो इस तरह से हिला के हम एक बार फिर से इसको ढक देते हैं, और धीमी आँच पर 1 मिनट और पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है, मिर्च हमारी अच्छे से गल गई है। ये देखिए इसे हम एक बार फिर से हिला के देख लेते हैं, और एक मिर्च को इस तरह से पलटे से दबा के आप देखिए, जी हाँ ये नरम हो गई है। तो मिर्च हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें खटाई के लिए 1/2 नींबू और निचोड़ेंगे। वैसे स्टफिंग में हमने इसमें 1 चम्मच अमचूर डाल दिया था, और क्योंकि हम इसे एक अचार के फॉर्म में बना रहे हैं तो इसे चटपटा और खट्टा होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसमें 1/2 नींबू और निचोड़ दिया है। और ये बेहद स्वादिष्ट हमारी मिर्ची इस समय लग रही है। आप देखिए इसे आप अचार के तौर पर खा सकते हैं, सूखी सब्जी के तौर पर खा सकते हैं, ये हर रूप में बेहद स्वादिष्ट है। चटपटी बेसन भरी मिर्ची को मैंने एक सर्विंग प्लेटर में निकाल लिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे का लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं, रेसिपी को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह अच्छा खाना बनाते रहें।